रहमान डियर स्टूडेंट रियल एनालिसिस वन मैथ का कोर्स कोड -कौर पाँच सौ एक है ये एम सी क्यूज़ की पी डी एफ से आप वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं जो अभी सेवन सेमेस्टर के जो पेपर हुए हैं जो दो हज़ार बाईस में जो एम सी क्यूज आए थे एफिलियट कॉलेज को वही जो है जो मेन कैंपस को जो एम सी क्यूज आए थे तो वही सेवन सेमेस्टर को भी आए हैं दो हज़ार बाईस वाले तो इसलिए ये जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं ये भी लाजमी करके जाएं। उम्मीद है कि ये आपको भी आएंगे। तो फर्स्ट टेम सी क्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है कौन सा है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो वन टू थ्री फोर तो इसमें लोअर बाउंड जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू वन होंगे सॉरी ये क्लोज इंटरवल ये ओपन है तो ये क्योंकि इसका आखिरी पॉइंट हमें नहीं पता इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसलिए ये बाउंड्रेड अबव नहीं है ये बाउंड्रेड बिलो है तो इसका बाउंड्रेड बिलो जो answer, है आंसर वो करेक्ट है सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आ गया एक्स प्लस जी का मार्ड ये लेस देन होता है एक्स का मार्ड प्लस जी का मार्ड ये प्रूव भी आ जाता है कभी कभी कर लीजिएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है नेक्स्ट है ए माइनस बी है या ये सही स्टेटमेंट क्या है बिलोंग करता है पी यूनियन जीरो तो सेट को ये ए एम्प्लाइज बी है या माइनस बी है तो ये इसका ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी करेक्ट है ठीक है जी थर्ड का ये ए करेक्ट है इसके बाद सपोज एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल एंड एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है देन गिवन अ नंबर गामा दैट लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी देयर इज अ पॉइंट सी ए ग्रेट सी ग्रेटर देन ए लेस देन बी इज तो इसका ये पॉइंट ठीक है एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू गामा अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की वो कौन सी होती है बाउंडेड होती है

जब माइनस फाइव पुट करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेंटी फाइव लेसर एक फाइव आ गया माइनस फाइव या फाइव पुट करें तो आपके पास ट्वेंटी फाइव आता है तो इसमें उसने पूछा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो इसके लोअर बाउंड कौन से होंगे माइनस इनफिनिटी टू माइनस फाइव तो इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है सारे लोअर बाउंड में जो तो सबसे बड़ा है वो क्या है माइनस फाइव है तो इसका आंसर जो है वो माइनस फाइव आएगा आगे ये आपके पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है ये प्रो भी आ सकता है एक्स वाई बिलोंग्स तो टू आर एक्स ग्रेटर दैन जीरो देर इज इज पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट तो एन एक्स ग्रेटर दैन जीरो है नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज करेक्ट आंसर है अ फंक्शन एफ इज सेट टू तो बी इंजेक्टिव होगा वेन जब इसका ऑप्शन सी जो है ये ठीक है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है तो इसका मतलब है इनकी इमेज भी बराबर नहीं होगी एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू सी ऑप्शन इज करेक्ट है तो इसके बाद है आपके पास इफ़ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन द टाइप ऑफ डिसकटिन्यू इज़ नोन एज जंप डिसकंटिन्यू अगर लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और लिमिट की वैल्यू बराबर हो तो फिर कंटिन्यूस होता है आपके पास आगे है कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की वो बाउंडेड होती है डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर सेज देयर इज नो गैप बिटवीन टू रैशनल नंबर आगे है रैशनल नंबर आर फाइनाइट ये इसकी ऑप्शन है नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कन्वर्टेंट सी क्वेश्चन रियल नंबर की वो कौन सी होती है बाउंडेड होती है द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर इज की है देर इज नो गैप बिटवीन टू रैशनल नंबर्स नेक्स्ट है आपके पास फोर्टीन uh, क्वेश्चन कहता आर रैशनल और एक्स इरेशनल हो आर और एक्स को आप ऐड करें तो क्या चीज़ बनती है तो वो इ बनता है क्या बनता है जी आपके पास इ जैसे आर रैशनल है वन बाई टू रैशनल नंबर है और एक्स जो है टू का स्केयर रूट इेशनल नंबर इनको ऐड करें तो दोबारा क्या आएगा इेशनल ही आएगा आपके पास कहते हैं लेट ई बी या सेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड विच इज़ बाउंडेड बिलो विच इज़ बाउंडेड बिलो है तो बी सेट आपके पास ई e दिया हुआ है सर बराबर है माइनस तो ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है इस इन्फीम सुप्रीम वाले में से आपको ज़रूर पेपर में आएगा तो इसको ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है इन्फिमम इन्फिमम ऑफ ई इज इक्वल टू तो सुप्रीम ऑफ ई ब्रैकेट में आएगा ठीक है इसके बाद है आपके पास अबाउंडेड मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्ज करती है इन्फीमाम को ए ऑप्शन करेक्ट है इसका आगे आइए आपके पास इनफिमम ऑफ सेट एस आपके पास दिया हुआ है टू की पावर एन और एन बिलोंग करता है एन को ठीक है तो एन की वैल्यू चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वन टू थ्री सोवन पुट करें आप टू की जगह पे वन पुट करें तो टू आ जाएगा फिर एन की टू बुट करें तो फोर आ जाएगा फिर एट आ जाएगा फिर सिक्सटीन आ जाएगा चलता जाएगा तो ये आपके पास एक सेट बन जाएगा ठीक है अब इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है टू ये इन्फीम है और सबसे बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है इन्फीनिटी तक जा रहा है तो इसलिए इसके अपर बाउंड नहीं है तो इसका सुप्रीमम भी नहीं होगा क्योंकि इसका लोअर बाउंड है तो इसका इन्फीमम भी होगा तो इसमें उसने पूछा है आपसे इन्फ़ीम ऑफ टू इसका जो है टू पावर एन का तो इन्फीमाम इसका टू है तो इसका सुप्रीम नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि अपर बाउंड इसमें नहीं है इसके बाद एवरी काशी सीक्वेंस इज क्या होती है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है ए ऑप्शन ठीक है द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ इसका आपने टू की पावर एन बताना है अच्छा लीस्ट अपर बाउंड तो ये सेट बनता कौन सा है हमने देखा दो चार आठ सोलह आगे चलता जा रहा है <स्थिया> लीस्ट अपर बाउंड पहले अपर बाउंड फाइंड करने हैं उनमें जो सबसे छोटा होगा वो लीस्ट अपर बाउंड होता है और उसी को आप क्या बोलते हैं सुप्रीमम बोलते हैं इसके तो अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते सबसे बड़ी वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो इसका नन ऑफ दीज जो है अपर बाउंड उसने पूछा है लीस्ट अपर बाउंड जो है हमें पता ही नहीं है लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड है कौन से ये पहले ये फाइंड करना अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते तो लीस्ट कहाँ से आ जाना है तो ये नन ऑफ करेक्ट है इसको वेरीफाई कर लीजिएगा अपने टीचर से भी आपस में फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर लीजिएगा इस जो जो है A, submission is zero to infinity, A, R, है 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 करती करती का पे ठीक है नहीं? <coughs> अच्छा सुप्रीम और इन्फीम के हवाले से एक एग्जांपल हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरवल वन थ्री है अच्छा जी इसमें जो सबसे ये जो छोटी वैल्यू होती है ना ये आपके पास होती है इन्फीमाम होती है ठीक है जी और जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास सुप्रीम है ये मैं सिंपल सा का बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे आगे एन बराबर है आपके पास वन टू थ्री फोर चलता जा रहा है तो इसमें जो छोटी वैल्यू सेट की है क्या होगी इन्फीमाम होगी और बड़ी वैल्यू हमारे पास है ही कोई नहीं तो इसलिए इसके अपर एग्जिस्ट नहीं कर देते तो सुप्रीमम भी नहीं है ये बाउंडेड बिलो है बाउंडेड सेट नहीं है जो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव बा, वो उसको बाउंडेड सेट बोलते हैं ठीक है तो ये एम सी आप लाजमी करें इनमें से आपको फाइनल में ज़रूर आएंगे ठीक है तो इसके बाद छोटा सा गेस भी देखते हैं आपके लिए अच्छा जी ये फाइनल पेपर जो है अभी मेन कैंपस में जो हुआ है तो इसमें से कोई एक दो तो क्वेश्चन जरूर आपको लगेंगे आप इसका सोलूशन भी हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देख लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन जो बोल्जेनो वेस्ट्रास्ट थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपने लाजमी करना है और ये कन्वर्जेंस चेक करने वाला भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा ठीक है जी और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फोर थ्योरम आपने करना और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और एक एग्जांपल भी आपको आ सकती है कंटिन्यूटी वगैरह की इस तरह के चेक करने के लिए और चेन रूल जो है वो भी आपने करना है वो भी आ जाता है कभी कभी तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंगाफि